हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ड्राइव। मैं हूं आपका फ्रेंड शिवम और आज इस वीडियो में हम VMware के अंदर मैक ओएस को इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैकबुक और iMac के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट मैकबुक और iMac काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। इसलिए दोस्तों, आप मेरी तरह सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके देखना चाहते हैं तो आप इसे अपनी वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टेक का थोड़ा भी नॉलेज नहीं रखते हैं तो भी आप मेरी वीडियो को देखकर और सारे स्टेप्स को फॉलो करके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। दोस्तों, कुछ नेसेसरी टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दोस्तों VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, ये बिल्कुल फ्री है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर आकर VM वर्कस्टेशन प्लेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से दोस्तों इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO को डाउनलोड कर लेना है। इसका प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे जाना है ISO इमेजेस में। यहाँ पे कई सारी इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। हम इसका लेटेस्ट वर्जन जो अभी रिलीज़ हुआ है, मैक ओएस वेंचुरा, हम इसे डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों, ये 13 GB की फाइल है, इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट मैंने आप लोगों के लिए इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से ऑटो अनलोडर को डाउनलोड करना है। एक्चुअल में जो VMware प्लेयर है उसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कोई फीचर मौजूद नहीं होता है। इस ऑटो अनलोडर की हेल्प से हम उस फीचर को ऐड करेंगे वर्क स्टेशन में, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप इसकी zip फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिए हैं, आप भी इन्हें डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेपरेटली रख लीजिए। अब दोस्तों, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करना है और इसके बाद हमें कंप्यूटर को पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के साथ ही साथ हमें अपने कंप्यूटर की बायोस की को प्रेस करना है। अब दोस्तों, हर मैन्युफैक्चरर की बायोस की अलग होती है, तो आप स्क्रीन में जो चार्ट देख रहे हैं, आप वीडियो को पुश करके वहां पे अपने मैन्युफैक्चरर की को देख सकते हैं। इसके बाद आपको उस की को प्रेस करके बायोस में जाना है। मैं मेरे बायोस में आपको वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना बताऊँगा, आपके केस में ये फंक्शन कहीं और मौजूद हो सकता है। बायोस में जाने के बाद आप एडवांस टैब में जाइए। एडवांस टैब में आपको CPU कॉन्फ़िगरेशन का फीचर मिलेगा, आप CPU कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी, आप इसे इनेबल कर दीजिए और इस सेटिंग को F10 की हेल्प से सेव कर दीजिए। दोस्तों, हमें सॉफ्टवेयर के वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। इसके बाद टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ पे क्लिक करना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को इनेबल करना है, साथ ही साथ आप विंडोज़ हाइपरविजन प्लेटफॉर्म को भी इनेबल कर दें और विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स को भी इनेबल कर दें। इसके बाद आप ओके कीजिए। इसके बाद दोस्तों, ये चेंजेस अप्लाई होंगे और अब आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें सबसे पहले इस VM प्लेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो कीबोर्ड एनहांसमेंट ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। इसके बाद हम अगेन नेक्स्ट करेंगे और आप इसी तरीके से नेक्स्ट करके इस इंस्टॉलेशन पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका VM प्लेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब आप इसे फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को एक बार रिबूट करना है। फिलहाल मैं अभी इसे रहने देता हूँ, लेकिन आप अपने सिस्टम को रिबूट कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, हमें इस अनलॉकर फाइल को अनजिप कर लेना है, जिसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे शो मोर ऑप्शन में जाके। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए।
अब दोस्तों इसके अंदर से जो भी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब आपका विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम इसे एज ए वायरस समझ सकता है, तो आप अपने विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम में से रियल टाइम प्रोटेक्शन को कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर दीजिए। इसे डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कीजिए। यहाँ से विंडोज डिफेंडर में जाएंगे हम। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का। यहाँ पे आप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स में मैनेज सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद हम रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देंगे और जितनी भी ये प्रोटेक्शंस हैं जैसे कि क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशंस और टेम्पर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देंगे। इन सारी प्रोटेक्शंस को ऑफ करने के बाद इस एलोगर को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद यहाँ से इस डायरेक्टरी को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके बाद आप पैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए जिससे फाइल पैच हो जाएगी। अभी मैंने ऑलरेडी इसे पैच करके रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं द VMware इंस्टॉलेशन यू स्पेसिफाइज ऑलरेडी पैच्ड, तो हम लोगों ने इसे ऑलरेडी पैच कर दिया है इसलिए इस टाइप का एरर आ रहा है। अब हम दोस्तों यहाँ पे VM Workstation 17 प्लेयर को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे आपसे सीरियल नंबर एंटर करने को पूछेगा, बट ये तब आपको एंटर करना है जब आप इसे कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करें। बट हम इसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना कि कमर्शियल के लिए, तो हम ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक लगाकर कंटिन्यू करेंगे, देन फिनिश। अब दोस्तों यहाँ पे आपका VM प्लेयर लॉन्च हो जाएगा। अब हम सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और दोस्तों जहाँ पे भी आपने अपनी मेक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को रखा है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये मेक की ISO फाइल है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम आगे नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एप्पल मैक OS X का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अनलॉकर से इसे पैच नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप मैक OS का वर्ज़न सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसका लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड किया है जो कि है मैक OS 13। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन का आप वो दे सकते हैं। इसके बाद अगेन नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप उस वर्चुअल मशीन को क्या साइज़ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसे 120 GB का पार्टीशन देना चाहता हूँ। अब यहाँ से हम स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद मैं हार्डवेयर कस्टमाइजेशन भी करूँगा, जैसे कि मैं इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को लगभग 8 GB की रैम देना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ से 8 GB पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स की कोर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं, देन हम फिनिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है। अब आप पावर वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये ISO बूट हो रही है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आप इंतज़ार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ से आपको लैंग्वेज बार में से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी। हम यहाँ से डिस्क यूटिलिटी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज दिखाई देगा, बट आप यहाँ से डिस्क यूटिलिटी में जाके शो ऑल ड्राइव्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको VMware की वर्चुअल SATA दिखाई दे जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली रेज वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद यहाँ से आप अपने पार्टीशन का नाम दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पार्टीशन टाइप में APFS सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ से गाइड पार्टीशन मैप रहने दीजिए। रेज वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेक OS के पार्टीशन लेआउट में आपको फॉर्मेट कर देगा। ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इस विंडो को क्लोज कर लेना है। इसके बाद आप इंस्टॉल मेक OS वेंचुरा पे क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू करेंगे अब हम। इसके बाद अगेन आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप इसे एग्री कर लीजिए। अगेन हम एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपने हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट किया था वो पार्टीशन यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैक OS इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है, आपको यहाँ पे वेट करना है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, तो आप वेट कीजिए। अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है।
अब दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन होने में कम से कम मुझे 45 मिनट का समय लगा है। आपके केस में ये समय ज़्यादा या कम हो सकता है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। कई बार आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगी, उस केस में आपको यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन को क्लोज नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ से हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। हो सकता है आपका इस तरीके से ये कर्सर प्रोसेस में चला जाए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और दोस्तों कंट्री सेलेक्ट करते टाइम आप डायरेक्ट कंट्री का नेम एंटर कीजिए, जैसे कि इंडिया के लिए मैंने प्रेस किया INDIA, जिससे कि कंट्री का नाम डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप अभी नॉट नाउ कर दीजिए। और इसके बाद अभी हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, माय कंप्यूटर डिड नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, अगेन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा, आप इसे अभी नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे हम, एग्री बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद अकाउंट क्रिएशन विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम दे दीजिए, इसके बाद आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए, इसके बाद आप वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और पासवर्ड को री एंटर कर दीजिए। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे अगेन क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन को इनेबल कर दीजिए और आप कंटिन्यू कीजिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको थीम सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ से अभी लाइट थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी यहाँ पे एक इशू है, जो macOS की वर्चुअल मशीन है ये फुल स्क्रीन पे होने के बावजूद भी फुल स्क्रीन पे नहीं शो हो रही है। यहाँ पे आपको ब्लैक बार्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप macOS को शट डाउन करें। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर दिया है। अब आपको दोस्तों यहाँ से एक टूल को डाउनलोड करना है, जिससे कि हमारा रेजोल्यूशन फिक्स हो जाएगा। टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से अनलॉकर को रन करना पड़ेगा। अनलॉकर रन होने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से ब्राउज वाले ऑप्शन से डाउनलोड की लोकेशन सेट करनी है कि आपको डाउनलोड होके वो फाइल कहाँ पे मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके। और यहाँ से आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। बट ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है अपने सिस्टम में, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको ये फाइल कुछ इस तरह की मिलेंगी, ये दो फाइल्स डाउनलोड होंगी, बट दोनों में से हमें सिर्फ एक फाइल की ज़रूरत है। हम इस वाली फाइल को माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए आप सबसे पहले VM प्लेयर को ओपन कर लीजिए, इसके बाद आप अपनी वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए। इसके बाद दोस्तों आपको CD/DVD वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जो ISO इमेज सेलेक्ट है आपको उसे चेंज करना है, और जो अभी आपने डाउनलोड इमेज की है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके करेंगे हम। और यहाँ से वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको VM टूल का ऑप्शन मिलेगा, आप VM टूल पे दो बार क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन दोस्तों हमारी ISO को माउंट करने के कारण आया है। इसके बाद दोस्तों इंस्टॉल VM टूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे पॉपअप आ चुका है इंस्टॉलर का, आप कंटिन्यू कीजिए, इंस्टॉल ऑल यूजर ऑफ दिस कंप्यूटर पे क्लिक कर दीजिए, देन इंस्टॉल। अब यहाँ से आपको पासवर्ड परमिशन प्रोवाइड करनी है, आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए जो आपने यूज़र अकाउंट बनाते समय दिया था। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए से रोक रहा है, इसलिए इंस्टॉलेशन फेल्ड हो चुका है। अभी आप ओपन सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ से VMware को अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इसे अलाउ तो कर दिया है, बट हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं पहले। अब दोस्तों हमने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है और अब हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन ऑन हो चुकी है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्चुअल मशीन में साइड में ब्लैक बार्स नहीं आ रहे हैं और अब ये वर्चुअल मशीन फुल स्क्रीन पे रन हो रही है।
सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।